हेलो गाइस, मैं अभी हूँ बोमडिला पर और मैं आई हूँ मेरी आंटी के यहाँ। मेरे पापा की बहन है, बोमडिला पे रहते हैं और इनकी घर पर होम स्टे भी है। तो आप जब भी बोमडिला या दिरांग, तवांग कहीं भी विजिट करेंगे तो इनके होम स्टे पे रह सकते हैं। उसकी होम स्टे रिजनेबल भी है रूम के हिसाब से। और ये है आंटी की बिल्डिंग बोमडिला पर, यहाँ पर होम स्टे है, आप आके रह सकते हैं। एंड दिस इज बोमडिला। ये देखिए काफ़ी फोगी है और मैं ऊपर जा रही हूँ, आंटी जो रहते हैं सबसे ऊपर फ्लोर पर। और ये है इनकी मिनी गार्डन और वो प्लांट्स भी सेल करते हैं और मैं भी प्लांट्स सेल करती हूँ। ये देखिए काफ़ी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा हमें। और इनकी होम स्टे यहाँ से जाते हैं, मैं बाद में आके रूम खोल के दिखाऊंगी आप सभी को। ये देखिए बहुत सारे आईवी, हिमालयन आईवी है, ये इतना बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। और ये है हमारे आंटी और अंकल ने बनाया है ये पॉट जो है, ये देखिए। एंड दिस इज उसकी पहाड़ पर बरामदा पर। ये देखिए उनके बहुत सारा फूल है एंड उन्होंने वीट भी लगाया हुआ है देखिए, और उसके कॉर्न भी लग गए हैं अभी। एंड वहाँ पे एक केला लिली खिला हुआ है वाइट कलर पर। और ये है उनकी फ्लावर्स। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा फूल लगा हुआ है। ये देखिए जेरिनियन बहुत सारा खिला हुआ है। एंड ये है उनकी सिटिंग रूम पर, अभी बहुत सारा सामान आए हुए हैं क्योंकि उनकी बहुत सारा क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है आंटी की। और वहाँ पे है बेडरूम और ये है हमारी ट्रेडिशनल ताओ, हम इसे ताव कहते हैं। हम इसे एंट्रेंस पे रखते हैं और हम पानी जमा करके इस पर फूल डालते हैं। और ये गुड लक, हम लोग गुड लक साइन, इट्स अ साइन ऑफ गुड लक, घर के बाहरी एंट्रेंस पे ही रखते हैं। एंड दिस इज वो लोग का किचन है और ये है लोकल किचन। हम चाहे जितना भी कहीं पर भी रहो, हमें लोकल किचन की ज़रूरत पड़ते हैं। और मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगी ऊपर की घर, वो रिसेंटली आंटी लोग ने बनाया है, रिनोवेट किया है, और मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर भी देखिए इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं। मुझे भी बहुत लालच हो रहा है, अभी लेके जाने मन हो रहा है। ये देखिए ऑर्किड भी बहुत सारा खिला हुआ है। ये है बोमडिला और बोमडिला पर आप जब भी आएंगे तो किस्मत होगा तो आपको सनी डे मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ही फॉग रहते हैं। और आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। यहाँ इनके होम स्टे का नाम है 10 लक्की होम स्टे और ये बोमडिला पर है। आप देख सकते हैं आंटी की यहाँ से, यहाँ पर से कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए दिस इज द व्यू फ्रॉम टेरिस। और बारिश हो रहा है अभी तो मैं इनके बोनसाइज, हमारी आंटी भी प्लांट्स तो रखते ही है, उसे बोनसाई बनाना भी पसंद है आंटी को भी। ये देखिए अभी हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि देखिए आप पूरा फॉग फॉग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट फॉग। And my elder daughter is playing over there. She's heading back to her hostel, so
नहीं लगा। और ये है आंटी की न्यू रूम्स, ये लेकिन शायद होम स्टे पे ने रखा हुआ है। ये देखिए और वेस्टर्न सब मिक्स करके बनाया हुआ है आंटी ने। और ये है बेडरूम, होम स्टे भी। ये देखिए होम स्टे तो नहीं है एग्जैक्ट, ये आंटी खुद ही यूज़ करती है रूम, तो ये रूम होम स्टे के लिए नहीं है। ये देखिए आंटी की रूम। और यहाँ पर है जिकू जी, आप यहाँ पर आके जिकू जी की आनंद ले सकते हैं। ये देखिए और वेस्टर्न यूरोपियन टॉयलेट सीट भी है, आजकल सभी यूरोपियन सिटी ढूंढते हैं तो होम स्टे पे, तो यहाँ पर है। आप यहाँ पर जैकुज़ी पे आकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। एंड दिस इज अनदर रूम, शायद ये उनके बच्चों के रूम है, आंटी के बच्चों के रूम है, वो लोग तो अभी कॉलेज पे हैं तो रहते नहीं है। इट्स ब्यूटिफुल। मिनी थिएटर भी है, मैं वही आप सभी को कहना चाहती हूँ। ये देखिए एक मिनी थिएटर। आएंगे तो आप हमारे यहाँ की ट्रेडिशन जानना चाहेंगे तो आंटी के पास वीडियो है, वो सब भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये है मिनी थिएटर और ये रिक्लाइन सीट है, तो आप यहाँ पे बैठकर रिलैक्स होकर, काफ़ी लॉन्ग जर्नी से आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो आप आके यहाँ पर रिलैक्स होकर हमारी कल्चर के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी टाइप के कंटेंट्स चाहिए, तो हमारे आपके ऑर्डर के ऊपर अंकल आंटी आपके लिए स्क्रीन पे प्ले कर देंगे। एंड दिस इज अ बिग स्क्रीन। और ये देखिए, और ये है वहाँ पर एक मिनी किचन, तो आप अगर आएंगे आपको खुद सेल्फ खाना कुकिंग करके बनाना है तो आप यहाँ पर सामान रख दिया जाएगा तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा चेयर, डाइनिंग चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे रह सकते हैं। और आप ये फुल बुकिंग करने के लिए आपका पर नाइट है, आंटी बता रहा था शायद 10,000, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है। तो अगर आप आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, ओनर से। और ये है एक रूम होम स्टे के, आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। और प्राइस तो आप आंटी से पता कर लीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं है, आई एम जस्ट आपको दिखा रही हूँ अपने वीडियो पर। और ये होम स्टे है बोमडिला पर, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, फ्रेश है, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी सुंदर है, बोमडिला के हर जगह दिखते हैं यहाँ से। और ये है बेड, एंड आई थिंक और आप सेल्फ किचन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपना ही कुकिंग करके बना के खाना है तो। और टीवी भी है, आप देखिए, एंड वार्डरोब भी लगा हुआ है वहाँ पर, और कर्टन्स भी बहुत फ्रेश है। और मैं ये आंटी की होम स्टे है कहकर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छा है, और हमारी आंटी काफ़ी सर्विस अच्छा, काफ़ी पोलाइट है, बहुत ही अच्छा है आंटी जो। और मैं बाथरूम भी दिखाऊंगी आपको, ये है देखिए यूरोपियन बाथरूम लगा हुआ है, और आजकल सभी को यूरोपियन बाथरूम ही चाहिए मुझे पता है। एंड दैट इज किचन। और ये है, चलती हूँ, शायद ये बाहर से लॉक किया हुआ है, आई डोंट नो, लेट्स चेक। एंड दिस इज वरांडा, आप यहाँ से बाहर की व्यू भी देख सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ की व्यू यहाँ से जस्ट बिल्डिंग बिल्डिंग है। एंड ये देखिए छोटा सा गैस स्टोव भी लगा हुआ है, सॉस पैन, और आपको जो चाहिए कुकिंग के सामान भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है, तो आपको ठंड की भी चिंता नहीं करना है। और यहाँ पर ये देखिए क्या कहते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी एक्वा गार्ड भी लगा हुआ है, दोनों आप जो चाहिए वो मिल जाएंगे, आपको बोतल के पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये गीज़र है तो बोमडिला एक्चुअली बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो बहुत ठंड रहते हैं, तो आपको उसके लिए भी चिंता नहीं करना है कि मुझे अगर तीर से श्वास करना है तो ठंडा लगेगा, कुछ ऐसा चिंता भी नहीं रहना है। एंड विंटर पे भी आप आराम से आके रह सकते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। आप देखिए वो मेरा आंटी है, बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं, एंड जस्ट कैप्चरिंग ऑल द। ये देखिए दिस इज बोमडिला, हमेशा फॉगी रहता है। और मैंने आगे कहा था ना, यहाँ पे मैं, यहाँ पर भी एक होम स्टे है, दिस इज ऑन 3rd फ्लोर, तो मैं इसकी रूम दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी सेल्फ कुकिंग के लिए ऑप्शंस दिया गया है, ये है छोटा सा सिटिंग रूम एंड दैट इज बेसिन। एंड यहाँ पर भी देखिए आप छोटा सा कुकिंग के लिए कैबिनेट बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको एक्वागार्ड मिल जाएगा, और पर यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, गीजर नहीं मिलेगा, पर एक्वागार्ड मिल जाएगा। ये देखिए एंड दिस इज़ द बेडरूम, और ये भी काफ़ी लग्जरियस है, और शायद ये रूम के प्राइस थोड़े कम होंगे, आई डोंट नो, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। इट्स 10 लकी होम स्टे, और ये वेस्ट कमिंग बोमडिला पर है। एंड यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, ये देखिए, पर अभी तक यहाँ पर क्या कहते हैं, टीवी नहीं है, बट आपको ब्लोअर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एंड ये भी मिल जाएगा कपबोर्ड भी। एंड दिस इज अनदर रूम, और ये अटैच है, आप अगर दो फैमिली आते हैं तो ये अटैच वाला इस पे रह सकते हैं, एंड अगर आप सिंगल भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक रूम का ही पेमेंट करना पड़ेगा। और ये है बेड, और ये मैंने जो पहले दिखाया था फर्स्ट वन, और वो है लग्जरियस रूम, और उनके शायद उसकी प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे, और इन इसके थोड़े कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कपबोर्ड लगा हुआ है। एंड दिस इज मिनी सिटिंग रूम, और वो एंट्रेंस पे ही है, दिस इज द बरंडा, और यहाँ से भी एक छोटा सा कॉरिडोर है, आप यहाँ से जाके बाहर की नज़ारा देख सकते हैं, ये ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपके जब ऊपर टेरेस जो सबसे टॉप है वहाँ वहाँ से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश है। और ये छोटा सा है तो आप यहाँ पर भी बैठ के देख सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बोमडिला पे हमेशा फॉगी रहता है समर पे, और अगर आप बहुत लकी है तभी जाके आपको सनी डे देखने को मिलेगा। एंड दिस इज अनदर रूम, और ये है इसकी सिटिंग रूम, एंड इस पे है ये बेड, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये देखिए यहाँ पर भी आप हैंग कर सकते हैं अपनी कोट वगैरह कुछ भी। एंड ये बेड देखिए कितना मज़ा है ना, लग्जरियस है। एंड ये है टॉयलेट, पर दिस इज़ इंडियन सीट, और आंटी कह रहे थे कि बहुत जल्द ही वो ये भी यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाएंगे। एंड गीज़र भी अवेलेबल है हर रूम पर, हर बाथरूम पर गीज़र है। एंड दिस इज़ सेल्फ कुकिंग, फिर से किचन है, अगर आपको सेल्फ कुक करना है तो यहाँ पर आके सेल्फ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और ये बोमडिला जो है ऑन द वे ऑफ ऑन द वे टू तवांग है, तो आप यहाँ के रुक सकते हैं देखिए। और ये है, ये सिंगल रूम है, आप अगर सिंगल जैसे कि एक ही फैमिली आते हैं तो ये रूम पर आप बुक करके रह सकते हैं। और आपको अगर पता करना है पूरा चीज़ तो आप 10 लकी होमस्टे वेबसाइट पे जाके, और मेक माई ट्रिप से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज अनदर रूम, और ये भी काफ़ी बड़ा है, और स्टिल आई थिंक आंटी मेंटेनेंस कर रहा है, और ये भी यहाँ पर लेकिन रुक सकते हैं आप, ओवरऑल पूरा हो गया, ये है बेड ना।
और यहाँ पर टीवी लगा हुआ है तो, और यहाँ पर देखिए कपबोर्ड्स भी है एंड कर्टन्स, कर्टन्स भी बहुत प्यारा है। और मैं आप सभी को सीलिंग भी दिखाना चाहूँगी, आई फॉरगॉट टू शो यू ऑल दिस, सीलिंग भी काफ़ी प्यारा है। एंड ओवर डियर सिंक और मिरर भी लगा हुआ है। एंड दिस इज द टॉयलेट बाथरूम, और गीजर तो हर जगह पे है आंटी का। एंड यहाँ पे यूरोपियन सीट है, अगर यूरोपियन सीट चाहिए तो आपको आंटी के बस एक ही रूम पर इंडियन सीट है, अदरवाइज तो सब यूरोपियन सीट लगा हुआ है, वो भी बहुत जल्द चेंज करने वाले आंटी। एंड ये है फिर सेल्फ किचन वाला, हर जगह आपको सेल्फ किचन मिल जाएगा, देर इज़ नो प्रॉब्लम। और ये है गर्म पानी ठंडा पानी आने वाले दोनों, हॉट एंड कूल, व्हाट वी से एक्वायर कट ना, तो आपको पानी का भी चिंता करना नहीं पड़ेगा। एंड देट इज़ गीजर ओवर डियर, और आपको अगर सेल्फ कुक करते हैं तो ठंडा पानी का झंझट। विंटर पे हमें सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है तो, वो है जब जब हाथ धोएंगे या तो नहाएंगे, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ते हैं। जैसे कि ठंड लग रही है तो जैकेट ओढ़ लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, तो हमें गर्म हो जाते हैं। पर व्हेन वी डू समथिंग जैसे कि पानी से टच करने के लिए कुछ होते हैं तो तब ठंडे लगते हैं। तो गीज़र हर जगह अवेलेबल है, इवन किचन्स में भी, तो आप बुक कर सकते हैं, आइएगा यहाँ ज़रूर। ये सीजनल फ्लावर है, आप ये सीज़न पे आएंगे, मई अप्रैल में पे आएंगे तो आपको ये फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएगा। पर आप अगर विंटर पे आते हैं तो ये फ्लावर्स तो तब तक मुरझा जाएगा एंड ऑफ हो जाएगा फ्लावर सीजन। बट आंटी को फ्लावर्स बहुत पसंद है तो उसके पास प्लांट्स तो हम। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू, सॉरी, नाउ आई एम हेडिंग टू दिरांग। आई विल शो यू सम क्लिप्स ऑफ दिरांग इन माय वीडियो, और आप मेरे साथ बने रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।